और ये हमारे नीतीश बाबू जो है वो 5 साल में 25 बार शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन ये बेरोजगार पर ध्यान नहीं देंगे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। आज ऊर्जा मंत्री ये है, परसों वो है, सरकार में 4 बार तो मंत्री बदल रहे हैं और लोग इधर बेरोजगार से हाहाकार मचा हुआ है पूरे बिहार में। आई छोटा बिहार सरकार ऊर्जा मंत्री छोटा जो है हम लोगों को बुढ़ारी में आकर साइड कर दिया। इस बार चुनाव में हम लोग दिखा देंगे कि हम लोग 30,000 MRCRF क्या कर सकते हैं, सरकार को उलट पुलट के रख देंगे। इसी चुनाव में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी समझ ले कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना बिहारी एक पावर क्या दिखा सकता है। और यहाँ पूरे बिहार में 84,000 मीटर रीडर बेरोजगार हो गया, लोग को खाने पर आफत है, बच्चे को पढ़ाई लिखाई पर आफत है, ये स्थिति बनी हुई है। जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक रंजन, आप देख रहे हैं सस्तक न्यूज। ये लोग जितने भी DM ऑफिस मुजफ्फरपुर में धरना स्थल पे बैठे थे, ये समझिए कि काम करते थे बिजली विभाग में, रीडर का काम करते थे। काहे लोग धरना पे बैठे हुए जानेंगे, आप लोग क्यों धरना पे बैठे हुए? हम लोगों का रोजगार खत्म हो रहा है, हम लोग मीटर रीडिंग का काम कर रहे थे 2013 से, आज स्मार्ट मीटर लगा के हम लोग बेरोजगार हो चुके हैं। अब हम लोगों को सरकार कोई रोजगार नहीं दे पा रही है। कौन से कंपनी में आप लोग काम कर रहे हैं, सरकार के थ्रू थे या अंडरटेकिंग? अंडरटेकिंग पहले सरकार के तरफ से भी काम किए हैं, उसके बाद अंडरटेकिंग भी किए हैं। हम लोग जो पहले है RRF का भी काम किया अंडरटेकिंग में, और उसके बाद MRC बना दिया गया, MRC से भी काम हम लोग कर रहे थे, तो अभी तक यही MRC का काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार जो है स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, सारे मीटर रीडर को बेरोजगार कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ सरकार कह रहे कि हम रोजगार दे रहे हैं, तो माने आप लोग से रोजगार छीना जा रहा है? जी, रोजगार छीना जा रहा है। सरकार से क्या मांग होना चाहिए? हम लोगों को समायोजन करे विभाग में। अगर समायोजन नहीं होगा तो इस बार चुनाव में हम लोग दिखा देंगे कि हम लोग 30,000 MRCRF क्या कर सकते हैं, सरकार को उलट पुलट के रख देंगे। इसी चुनाव में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी समझ ले कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना बिहारी एक पावर क्या दिखा सकता है आपको। सैलरी आप लोग कितना मिलता है? सैलरी हम लोग जितना काम करते हैं उतना मिलता है, कमीशन 3% कमीशन पर हम लोग का धन कमीशन पर रखेंगे। जी, हम लोग अपना पैसा लगा के अपना प्रिंटर खरीद के अपना कलम अपना मोटरसाइकिल अपना तेल सब कुछ एक महीना अपना पूंजी फंसाने के बाद में विभाग से पैसा हम लोग को फिर मिलता है, वो भी 15-16 हजार, और 10,000 रुपया में हम लोग अपना गुजर बसर 15,000 में हम लोग किया करते हैं शुरू से। सही समय पे पैसा आप लोगों को मिलता है कि नहीं? ना, पैसा पहले नहीं मिलता था समय से, बाद में हम लोगों को पैसा पिछले 2 साल से टाइम से मिलना शुरू हो गया था। मतलब कौन हटा रहा है आप लोग को, सरकार हटा रहा है? हम लोग स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिना हटे आपसे तो हट जाइएगा। स्मार्ट मीटर लग गया तो आपके हम क्यों जाएंगे? स्मार्ट मीटर लग गया अब आप स्वयं रिचार्ज कर लेते हैं तो आपके हम जाके क्या करेंगे? 2013 से हम लोगों को रखा गया, 13 से 21 तक कोरोना ऐसा समय में हम लोग काम किया, और उस समय में कोरोना में कोई घर से नहीं निकलता था, उस समय हम लोग जान पर खेल के बिहार सरकार के रेवेन्यू कलेक्शन का काम किया, बिलिंग का काम किया, घर घर जाके काम किया। यही छोटा बिहार सरकार ऊर्जा मंत्री छोटा जो है हम लोगों को बुढ़ारी में आकर साइड कर दिया। तो रोना आपको आ रहा है? बिल्कुल रोना क्यों नहीं आएगा, बेरोजगारी हम लोग के साथ होगा, बच्चे भूखे मर रहे हैं। इस स्थिति में ऐसे ऐसे बिहार सरकार को तो मोर होता है, केस किया इस पर भाई यार कर, हम लोग जाके करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, नहीं सुनेगा तो। जहाँ तक रोजगार के बात करते हैं कि हम रोजगार देते हैं सरकार, वहाँ रोजगार 10 लाख 20 लाख रोजगार का गारंटी लेते हैं, हम लोगों के साथ भी दुर्दशा कर दिए। 21 तक काम किया, उसके बाद MRC को ले आए, MRC के लाने के बाद झूठा आश्वासन दिया आप लोगों को रखेंगे, MRC के लगाने के बाद हम लोग का साइड का स्मार्ट मीटर ले आया, फिर भी कहा जाए रिचार्ज आपसे कराएंगे। अब रिचार्ज कौन हमसे कराएगा? आप स्वयं रिचार्ज कर लेते हैं, हम लोग क्या करेंगे? रिचार्ज है तो दूसरा काम तो बिजली विभाग में मिल सकता है, होता है बहुत काम है। अभी 2600 का बहाली बिहार सरकार निकाला है, अभी तुरंत निकाला है 2600 का बहाली, क्या उसमें हम लोग का समायोजन नहीं हो सकता था? हम लोग क्या करेंगे इस परिस्थिति में? वह मौका प्रस्त है, बिहार सरकार मौका प्रस्त है, अपना काम कर लिया, जब देखा रेवेन्यू कलेक्शन फील्ड का हो गया पूरा, और काम हम लोग करते हैं, आई इनाम बिहार सरकार का जो कर्मचारी या पदाधिकारी वो लोग इनाम लेता है, रेवेन्यू कलेक्शन ही धूप में चल के हम लोग सारा RRF काम करते थे 10 साल से, आई इनाम उन लोगों को मिलता है, गिफ्ट उन लोगों को मिलता है, और हम लोगों को रोड पर ला के रख दिया। अभी तो फिर रोजगार दूसरा भी नहीं, कुछ नहीं, हम लोग बेरोजगार हो गए, हम लोग क्या करेंगे, कोई काम के लायक हम लोग नहीं है। नीतीश कुमार को मांग है, बिजली विभाग में बहुत सारा पद है, उसमें हम लोगों को कहीं ना कहीं समायोजन किया जाए, राशि वही तय करे, 15,000 दे, 10,000 दे, लेकिन दे के कहीं रखे, हम लोग बेरोजगार हैं।
और नहीं तो इस चुनाव में दोनों को अभी से विधानसभा चुनाव तक हम केंद्र सरकार को भी या बिहार सरकार को सिखलाएंगे। चलिए समझिए, किलोमीटर पे काम करते थे, एक एज भी हो गया है, जो रियलिटी बात है कि एक जो हो जाने के बाद कहीं जॉब नहीं मिलता है लोगों को। लेकिन आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि इस मीटर रीडर का क्या मजबूरी, मतलब ऐसा समझिए कि लोग बोल रहे हैं कि कोरोना में जाके घर घर जाके हम लोग बिजली के काम किए कि धूप में जा जाके बैसाख जेठ महीना के धूप में सभी लोग सोया रहता है, उसको केवाड़ी ढक ढक आके उठाया जाता है, उठिए। और अच्छा काम करने से, इससे पहले इससे पूर्व में जो मंत्री सीएमडी थे प्रत्यय अमृत, उन्होंने पूरे बिहार से कुछ अच्छे आरआरएफ को पटना बोला है, वहाँ भी बोला गया उनसे कि अगर अगर उधार होगा आगे तक, अगर कलेक्शन बढ़ेगा तो वो आरआरएफ के बल पे बढ़ेगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि पहले रीडिंग कंप्लीट हो जा रहा है, स्मार्ट मीटर लग के घूमिए, लोग आपसे रिचार्ज नहीं कराएगा, आप स्वतः बाहर हो गए, बेरोजगार हो गए सारे के सारे। पूरे बिहार में 84,000 पंचायत में लगभग 84,000 लोग कार्यरत थे मीटर रीडर में, वो पूरे के पूरे लोग बेरोजगार हो गए, उसके बीवी बच्चे सब भूखे मर रहे हैं, न पढ़ने का व्यवस्था है, कहाँ से करेगा, जब पैसे नहीं है तो कहाँ से करेगा। सारे के सारे 84,000 पूरे बिहार में मीटर रीडर जो है वो बेरोजगार हो गया। और ये हमारे नीतीश बाबू जो है वो 5 साल में 25 बार शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन ये बेरोजगार पर ध्यान नहीं देंगे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। आज ऊर्जा मंत्री ये है, परसों वो है, सरकार में 4 बार तो मंत्री बदल रहे हैं, और लोग इधर बेरोजगार से हाहाकार मचा हुआ है पूरे बिहार में। पूरे बिहार में 84,000 पंचायत में लगभग 84,000 मीटर रीडर था, और सब के सब बेरोजगार हो गया है। यही मुजफ्फरपुर में हम 500 लोग बेरोजगार है, धरना पर है, हर जिला में ऐसे ही 100 लोग का दर्द कोई नहीं समझ रहा है, कोई नहीं। नरेंद्र मोदी जी भी हो चाहे डबल इंजन की सरकार जो बोले है अभी नीतीश बाबू, कोई काम का नहीं, सिर्फ इधर से उधर अपना शपथ ग्रहण लेने में है, और रोज मंत्री बदलने में लगे हुए हैं। और यहाँ पूरे बिहार में 84,000 मीटर रीडर बेरोजगार हो गया, लोग को खाने पर आफत है, बच्चे को पढ़ाई लिखाई पर आफत है, ये स्थिति बनी हुई है। ये लोग मीटर रीडर पे कार्यरत पूरे मुजफ्फरपुर में थे, मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएगा। जय हिंद जय भारत। दूसरा भी काम करवाता था हम लोग। हाँ।